और अब फाइनली हम लोग का बस खुल रहा है। दोस्तों ये देखिए नौसे भाई आए हुए हैं हम लोग को लेने के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं। तो दोस्तों अब अनम अपना घर दिखाएगी ब्लॉग के साथ। हमारा पुराना साइकिल जो खटारा बन चुका है, तो हम लोगों के भाई ने यहाँ पे लड़ाई करते थे WWE से। ये है मेरी दादी का रूम, यहाँ पर दादी सोती है और मैं दादी के साथ सोती हूँ। ये फ्रिज है और यहाँ पर आम भी है। इस बार आम बहुत कम उगा है क्योंकि आते जाते लोग इसे नज़र लगा दिए हैं। वहाँ पर मेरी फ्रेंड का घर है वो। यहाँ पर हर जगह आपको हरियाली मिलेगी पर वो काला होगा। ठंडा माँ हम ठंडा। ये देखिए ये भी नदी में डूब डूब कर। अरे सॉरी दोस्तों, वेलकम आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं आप ही के घर। मेरी एक ही आप ही है और मैं आपको आज अपने जीजा जी से मिलाऊंगा, अपनी भगना भगनी से मिलाऊंगा, सबसे मिलाऊंगा। तो अभी हम लोग को जाना है बिहार से झारखंड, हम लोग को जाना है रामगढ़, वो रहती है ठीक है। तो मैं सबा अम्मी पापा सब लोग जा रहे हैं। मैं सुबह 4 बजे से उठा हुआ हूँ और अभी 5 बज गए। हम लोग का बस 5:30 में ठीक है, आधे घंटे में हम लोग बस स्टैंड पहुँचेंगे ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। ये देखिए अम्मी सबा और पापा आगे गए हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं बस स्टैंड। बाबू कहाँ जा रहा है? इधर देखो इधर बाबू बोलो पोती जा रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए हैं और यहाँ पे अम्मी और सबा खड़ी हैं। हम लोग सीट खोजेंगे। पापा सीट खोज रहे हैं। देखिए अम्मी पीछे बैठी हुई है और इधर सबा, इधर फाजिल, देखिए पापा भी बैठ गए। और अब फाइनली हम लोग का बस खुल रहा है। मोबाइल को दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं बरही चौपारण और ये है हमारा बस। सबा अम्मी और पापा और फाजिल अभी अंदर बैठे हुए हैं। तो मुझे बैठे बैठे मैं थक गया, 2 घंटे से लगातार बस चल रही है ठीक है। तो अब यहाँ से 3 घंटे का और भी रास्ता बचा है ठीक है। हमें जाना है रामगढ़ ठीक है, झारखंड के रामगढ़ जाना है। यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे उसके बाद फिर बस 2-3 मिनट में खुल जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग रामगढ़ पहुँचने वाले हैं, बस 20 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। और यहाँ देखिए फाजिल अपना नाश्ता कर रहा है, क्या खा रहा है। तो मेरे नौसे भाई यानी कि मेरे जीजा जी भी आ रहे हैं हम लोग को लेने अपने गाड़ी से ठीक है। देखते हैं दोस्तों। ये देखिए नौसे भाई आए हुए हैं हम लोग को लेने के लिए। यहाँ आने में टोटल हम लोग को 5 घंटा लगा और ये हजारीबाग और रांची के बीच में है। सलाम वालेकुम। क्या बात, तो अभी आए तुरंत 10 मिनट? नहीं नहीं हम रुके, तुम लोग रुके। अच्छा ये देखिए शोएब भी आया हुआ है। शोएब सलाम भी नहीं कर रहा है तू। वालेकुम अस्सलाम। ना मैं ऐसे बीच रास्ता में उतारता है, यही है पटेल चौक। ये पटेल चौक है यहाँ से रांची कितना दूर है? कितने किलोमीटर? 45 किलोमीटर है। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट घर। नौसे भाई अपना गाड़ी लेके आए हैं ठीक है। सोएब बोलेगा कुछ? तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारी आपी। सबसे पहले बाबू को ले ली। ये हमको देख रहा है इससे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाबू गाड़ी पे चूर हो गए। क्या बाबू कहाँ है फाजिल?
देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। हम बोली तो हमको आए पर। और ये है मेरी भगनी और ये है मेरा भगना। ऐसे फोन से बात करेगा टन टन। और देखो ना लग रहा है कि जाने नहीं है, लग रहा है कुछ बोलिए नहीं निकल रहा है। शेव अभी शर्मा रहा है। इधर देखो बेटा, इधर शेव शर्मा रहा है अभी। इधर फाजिल नौसे भाई के गोद में। बापू देखिए पूरा बस में ही खेलते ही आया है। गुस्सा हो रहा है? नहीं, छुट्टी हो गया स्कूल में। कितने दिन का? 40। 40 दिन का? हम छिल्ला पुराई की जान उल्टा रहता। अरे सीधा हो गए जल्दी जाओ। देखो बोल रहा है फाजिल को, बोल रहा है हाँ खेलते आया। ठीक है देखिए खेल रहा है। आनम इधर है, उसको दिल लग रहा है। हाँ अभी देख रहा है, अभी सबको पहचान रहा है। मेरे भैया से बात कर रहा है फाजिल। कहाँ गया यार? कहाँ घूम रहा है? कहाँ घूम रहा बाबू? कहाँ घूम रहा? समा अपने भाई के खिदमत में। दोस्तों ये देखिए अनम और शुएब के लिए हम लोग लाए हैं कुछ गिफ्ट छोटे छोटे। किसा किसा का दो दो दो। एक शुएब के लिए, ये शुएब ये तुम्हारे लिए तीनों। ये क्या होगा? इसमें दो है, एक है और इसमें इसका अलग अलग है। ये है शुएब का मॉन्स्टर ट्रक। मोटू पतलू स्टिकर है चिपकेगा। ये देखो कितना तेज जाएगा। देखो देखो बहुत अच्छा बहुत जाएगा। गर्मी लगेगा तो अनम के लिए एक पोर्टेबल चाइना। हाँ चाइना वाला है अनम के लिए। और ये वही कंपनी का, ये आप ही के लिए अम्मी दी है। मच्छर यहाँ बहुत मच्छर है। ठीक है दबे नहीं और मोबाइल में चार्ज करके इसको एक घंटा चार्जिंग अलग। इसमें चार्जिंग अलग वाला है। मोबाइल वाला चार्ज से ज्यादा अच्छा रहता है। मेरे पास भी चॉकलेट। ये दोनों, एक ऑरेंज है एक लीची है। कौन लीची वाला लेना है तो लीची वाला ले ले। और ऑरेंज अरे उसको अभी कुछ खेलेगा। तोड़ दिया है। निकाल निकाल के पूरा के लिए लाइट जलेगा। लाइट जलेगा लाइट जलेगा। हाँ पढ़ाई के लिए अच्छा काम होगा। यहाँ से शॉर्पनर। अब स्कूल जाएंगे तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे। ये अम्मी लाई है खाने का सामान। ये है लच्छा और ये है खारी। खारी वो अनरसा। ये अनरसा गया का। हाँ गया का, बिहार के गया का फेमस। और ये इसमें कुछ है बिस्किट। तो दोस्तों अब अनम अपना घर दिखाएगी ब्लॉग के साथ। ये देखिए अनम ब्लॉग के साथ आपको पूरा घर दिखाएगी। तुम दिखला बताओ फिर। ये है हमारा गेस्ट रूम। यहाँ पे नाना सो रहे हैं और यहाँ है मेरी बड़ी मम्मी का रूम। और यहाँ पर है किचन। तो मम्मी अभी जा रही हैं खाना पकाने को। पकाने नहीं। ये है आंगन। यहाँ पर हमारा बड़ी पार्क है। और चलते हैं अब हम ऊपर। यहाँ पर स्टोर रूम की तरह है। देखो मम्मी दिखाएगी। और ये है
हम लोगों के भाई का रूम, यहाँ पर भैया सोए हुए हैं और यहाँ पर हमारे बड़े पापा रहते हैं। एक और है हमारा फोटो, फोटो है यहाँ पर हम लोग भाई बहन का और यहाँ पर भी एक किचन था जो बहुत पुराना हो चुका है तो हम लोग इसे स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं। ये है मेरी दादी का रूम, यहाँ पर दादी सोती है और मैं दादी के साथ सोती हूँ। ये फ्रिज है और ये यहाँ पर दादी अपने कपड़े रख देती हैं। यहाँ पर दादी का अनवारी है और यहाँ पर तख्ती भी है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। और हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। हमारा पुराना साइकिल जो खटारा बन चुका है और ये भी एक तरीके का स्टोर रूम है। यहाँ पर हम लोग रेंट रखे हैं ये दोनों रूम। यहाँ पर कश्मीर से आते हैं तो हम लोगों के भाई ने यहाँ पर लड़ाई करते थे WWE लिखे। हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर बहुत गर्मी है। हमारे घर में आम का पेड़ है, ये देखिए। यहाँ पर धूल बहुत उड़ता है क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रीज है कोयले की। और यहाँ पर आम भी है। इस बार आम बहुत कम उगा है क्योंकि आते जाते लोग इसे नज़र लगा दिए हैं। और हर तरफ देखिए, हर घर पर आम का पेड़ या किसी न किसी चीज़ का पेड़ है। वहाँ पर मेरी फ्रेंड का घर है वो, तो आने से पहले मैं वहीं पे थी। यहाँ पर भी बहुत आम है और उस वाले पेड़ पर तो बहुत ज़्यादा, हर एक एक जगह है। हम लोग ईद के टाइम यहाँ पर सजाए थे, देखिए वहाँ पर किसी का कार है। अब चलते ऊपर की तरफ। मामी ऊपर आइए। ये है मस्जिद, यहाँ का इकरा मस्जिद, कॉलोनी का मस्जिद है ये इकरा मस्जिद। और हमारे घर के बगल वाले का घर क्रिकेट का। चलते अब ऊपर की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पर नदी आ चुका है और यहाँ पर जंगल भी बहुत है। यहाँ पर हर जगह आपको हरियाली मिलेगी पर वो काला होगा। चलिए हम अब आपको नदी दिखा दें। ये देखिए, ये नदी आ चुका है। हमारे घर के जस्ट बगल के घर वाले के बगल में है नदी। ये है मेरी फ्रेंड का घर, ये भी है। इधर भी बहुत आम थे पर सबको तोड़ लिया। आते जाते लोग नज़र लगाते नहीं, यहाँ पर आते जाते लोग नहीं आ सकते हैं। दोस्तों ये है मेरे जीजा जी का पूरा घर, ये अनम आपको दिखाई दी, ठीक है। दोस्तों ये देखिए, नौसेबाई का एक ये मारुति है और एक ये गाड़ी है, ठीक है, अभी ढका हुआ है। और दोस्तों यहाँ देखिए कुआं वगैरह भी है। कुआं में पानी है नौसे भाई? इसी में मोटर डाल दिया है ना। ये देखिए नौसे भाई अपने गाड़ी को धस गया था। सर यार है पूरा। तो दोस्तों अब मैं चला कुछ देर सोने क्योंकि मैं सुबह 3:30 से जगा हूँ। पापा मुझे मतलब 3:30 से उठाना शुरू कर दिए थे, तो 5 घंटे का बस का सफ़र बहुत ज़्यादा टफ होता है दोस्तों। ट्रेन का सफ़र मेरे लिए अगर 2 दिन का भी हो तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन बस का सफ़र बहुत मुश्किल से गुजरता है। 1 hour later तो दोस्तों 1 घंटे सोकर मैं उठ गया हूँ। अब मैं खाना खाऊंगा। ये देखिए हमारा खाना रखा हुआ है। खाने में चावल है, मछली है, अंडा है, ठीक है, दाल है। कौन छोड़ा सोएब, जल्दी बताओ। तो हमको तो लगता है तू ही छोड़ा। हमको तो लगता है सोएब ही छोड़ा। फाट तो ही फाट मारता। अच्छा वो बाबू, बाबू इधर है इसलिए कहा। बाबू बोलो हम। फाजिल, फाजिल हाउ आर यू, कैसा लग रहा है? तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं घर के पीछे एक झारखंड का जो सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी, वहाँ जा रहे हैं। ये देखिए अनम आ रही है, पीछे सबा, अम्मी और सोएब है इधर। सोएब
ये देखिए छोटू सा नीचे है दोस्तों, ये है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी पता है ये वेस्ट बंगाल में जाके मिलता है। फैक्ट्री है कोयला का। गाड़ी है ये होगा किसी का, चलो सबको गाड़ी ले ले। छोटे छोटे मछली मछली है तो काटे है कहला। हाँ वो खाने वाला होता है। अनम अनम नहाएगी? नहा ले। ये देखिए अम्मी पानी पानी में पैर डुबो कर। ठंडा है माँ, एकदम ठंडा, जबकि इतना गर्म मतलब पानी था। ए सोएब पैर ऐसे गिर जाएगा। अम्मी पैर डुबो कर आनंद पूरा ले रही हैं। बताइए वेस्ट बंगाल तक जाता है। झारखंड का ये समझिए सबसे लार्जेस्ट नदी है। बाबू फाजिल को इसमें नहा दो है। इधर देखो बाबू, बाबू का भी चेंज करती पर कुछ नहीं कर पाई। बाबू का भी चेंज करती देख। ये देखिए ये भी नदी में डूब डूब कर। अरे बाबा ए ए अरे भीग जाएगा, ये भिगा रहा है। अरे मत भीगो मत भीगो। अरे शाम का मौसम में कितना अच्छा लग रहा है सबा। शाम का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे नदी का मजा ले रहे हैं। शाम का मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर देखिए ये अनम सुएब आओ से मत करो तो अंदर चल जाएगा। गिर जाएगा इधर। आपको गया का अच्छा लगा या फिर यहाँ पर रामगढ़ का? गया में तो ऐसा नदी है लेकिन पानी इतना नहीं रहता है समझी। हाँ तो मजा कहाँ पर आया वो पूछ रहे। मजा तो यहाँ आया ना नम तेरे पास आकर। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि होने वाला है शाम। बाबू फाजिल फाजिल इधर देखो फाजिल। अरे देख लिया दोस्तों, मगरिब हो गया है, अजान हो रहा है। इधर देखिए सोएब खेल रहा है अपने गाड़ी से। तो दोस्तों व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और हम लोग बिल्कुल थक गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय। यहाँ देखिए नौसे भाई हैं, समा है, ये देखिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।